भारत में घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अगले 2 वर्षों तक बड़े आर्थिक सुधार मुमकिन नहीं है। यह बात भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कही। बसु ने कहा, भारत में बड़े आर्थिक सुधार 2014 के आम चुनाव से पहले संभव नहीं है। बसु के मुताबिक 2014 के बाद आर्थिक सुधारों में गति आएगी और 2015 के बाद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। अगर नई सरकार बहुमत में होगी तो वह आर्थिक सुधार बड़े पैमाने पर शुरू करेगी, क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि इसमें तेजी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ रहे घोटालों और गठबंधन की वजह से देश की तरक्की को धक्का पहुंचा है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी हो रही है, एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों और भ्रष्टाचार से नौकरशाही के मनोबल पर बुरा असर पड़ा है। नौकरशाही जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। बसु ने कहा, गठबंधन सरकार के कारण भी आर्थिक सुधारों की गति धीमी पड़ गई है। इसके अलावा महंगाई और कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण भी आर्थिक सुधारों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सुधार हैं जिन्हें तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। रिटेल ऐसा क्षेत्र है जो विदेशी निवेश की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सब्सिडी के दुरुपयोग और कमजोर बुनियादी ढांचे के मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुस्लिम तुष्टिकरण नीति से विरत रहने की सलाह देते हुए कहा है कि इस नीति से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विद्वेष बढ़ सकता है। उमा भारती ने प्रदेश सरकार द्वारा आतंकवाद की घटनाओं में हुई गिरफ्तारियों की समीक्षा के बारे में बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, इससे हिंदुओं के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। मुसलमानों के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिनका कि देश में पर्याप्त सम्मान है। प्रदेश की चरखारी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई भारती ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अमेरिका में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि शाहरुख खान फिल्म अभिनेता हैं, मेरे लिए उनका सामाजिक दृष्टि से कोई बहुत महत्व नहीं है, मगर उनके साथ जो घटना हुई वह सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे भारत में मुसलमानों को लेकर अविश्वास और विद्वेष का भाव पैदा हो। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उमा भारती ने मुस्लिम लड़कियों को 10वीं पास करने पर 30,000 रुपए दिए जाने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र ने पौराणिक राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर अपना कोई भी रुख पेश करने से इनकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय से इस बारे में फैसला करने को कहा। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरे रावल ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि वह इस पर कोई रुख नहीं पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2008 में दायर अपने पिछले हलफनामे पर कायम रहेगी। इसमें उसने कहा था कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी, लेकिन उसकी राय है कि धर्मों के अस्तित्व को मान्यता देने के अलावा उसे आस्था के मुद्दों पर जवाब नहीं देने को कहा जाना चाहिए। पीठ जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले गत 29 मार्च को केंद्र को इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। पीठ ने कहा था, अगर आप कहते हैं कि आप हलफनामा नहीं दायर करना चाहते हैं तो हम मामले में दलील पर आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच विवादास्पद सेतु समुद्रम परियोजना का समर्थन करते हुए सत्तारूढ़ संपर्क के घटक द्रमुक ने केंद्र से इस परियोजना को पटरी से उतारने के किसी प्रयास के आगे नहीं झुकने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने लंबित दया याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर एवं अन्य की याचिकाओं पर बहस पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह लंबित दया याचिकाओं के निपटारे के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे। खंडपीठ ने गत 11 अप्रैल को 7 राज्यों को 2 दिन के भीतर उन दया याचिकाओं का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था जो संबंधित राज्यों के राज्यपालों के पास लंबित हैं। न्यायालय ने 7 राज्यों
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा से कहा था कि वे 48 घंटे के भीतर दया याचिकाओं का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराएं, अन्यथा उनके गृह सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए जाएंगे। खंडपीठ ने कहा था कि वे राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास लंबित सभी दया याचिकाओं की तहकीकात करना चाहेगी। न्यायालय ने गत 3 अप्रैल को राष्ट्रपति के समक्ष लंबित सभी 18 दया याचिकाओं का विस्तृत ब्यौरा उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया था। इसमें संसद हमले में शामिल अफजल गुरु की दया याचिका भी शामिल है। मामले के न्यायमित्र टीआर अंध्याजरू ने दया याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वकालत करते हुए कहा था कि लंबे समय तक ऐसी याचिकाओं को लटकाए रखना गलत है। इस मामले के एक पक्षकार जस्टिस ऑन ट्रायल ट्रस्ट की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने दलील दी थी कि दया याचिकाओं के निपटारे में एक दिन की भी देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है। भुल्लर एवं उसकी पत्नी नवनीत कौर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने दलील दी थी कि लंबित दया याचिकाओं के निपटारे की गति का तो यह आलम है कि 1997 से 2011 के बीच मात्र 32 याचिकाएं निपटाई गईं, जिनमें से 13 दया याचिकाओं के निपटारे में 10 साल लग गए। उन्होंने आधिकारिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि 14 दया याचिकाओं के निपटारे में 4 से 10 साल लगे, तो शेष 5 का निपटारा 1 से 4 साल के बीच किया जा सका। मध्य प्रदेश शासन ने औद्योगिक श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में 35 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 225 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार अब सकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4,770 रुपये यानी 183 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4900 रुपये अथवा 188 रुपये प्रतिदिन तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 5050 रुपये या 194 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देय होगी। कृषि नियोजन में संलग्न श्रमिकों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।